चले लास्ट टॉपिक में क्या डिस्कस किया था? लेंजेस लॉ. ओके चले आज करते हैं हम एडी करंट्स. एडी करंट्स नाउ देखें. हेलो लेंजेस लॉ में हमने क्या देखा था कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेड विद अ कॉइल चेंज करते हैं तो कॉइल में जो ईएमएफ बनेगा या करंट जो बनेगा उसकी डायरेक्शन जो है वो हम किससे पता लगा सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ लेंजेस लॉ. ओके लेकिन आज जो है हम एडी करंट्स देखते हैं. देखिए एडी करंट्स किस में बनते हैं? देखिए कल मैंने आपको बोला था कि हमारे पास एक कॉइल है. ओके अगर कॉइल ना होने के बजाय मेरे पास एक मेटल का एक पीस है, एक मेटल का पूरा पीस है इन द फॉर्म ऑफ शीट. जैसे ये एक मेटलिक शीट है मेरे पास. ओके दिस इज अ मेटलिक शीट. ध्यान से देखें ये मेटलिक शीट है. ये तार नहीं है बल्कि क्या है? एक मेटलिक शीट है. और इस मेटलिक शीट के सामने मैं मैग्नेट को रखता हूं. दिस इज अ मेटलिक शीट एंड हियर आई हैव मैग्नेट इन माय हैंड. और इस मेटलिक शीट में मैं क्या करता हूं? मैग्नेट को मैं आगे पीछे करता हूं लाइक दिस. सो व्हाट आई एम चेंजिंग? आई एम चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेट को आगे पीछे करके या इसी मेटल के पीस को आगे पीछे करके मैं क्या चेंज कर रहा हूं? मैग्नेटिक फ्लक्स. अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा हूं व्हाट विल हैपन? इसमें क्या बनेगा? करंट. इसमें करंट बनेगा. जो करंट इस मेटलिक शीट में बनेगा ना उस करंट का नाम हम देते हैं एडी करंट. सो व्हाट इज एडी करंट? एडी करंट एक ऐसा करंट होता है जो बनता है किसी शीट में, मेटलिक शीट में, जिसके साथ आप मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज करोगे. ओके अब देखें इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना. इस मेटलिक शीट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे. फॉर एग्जांपल यहां का इलेक्ट्रॉन है, यहां का इलेक्ट्रॉन जो है ये यहां जाना चाहता है. तो ये ऐसे अगर जाएगा यहां तक, चला गया यहां तक ऐसे, तो यहां से ये आगे नहीं जा सकता ना. क्यों? उसके बाद मेटलिक शीट नहीं है. तो इसका मतलब क्या है? करंट यहां पे सर्किट कंप्लीट नहीं होगा. सर्किट कैसे कंप्लीट? यहां पे क्या होना चाहिए? यहां पे एक राउंड चार्ज फुल मारनी चाहिए. कई राउंड मारती है ये, सिर्फ यहां से यहां जाती है. तो जब चार्ज की ऐसा फुल राउंड मारेगी ना, फुल राउंड मारेगी तो हम क्या बोलेंगे? करंट बना. देखिए ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे जाता है, ऐसे यहां पे ऐसे आता है गोल, तो ऐसे गोल गोल राउंड देता है, ऐसे गोल गोल राउंड लाइक दिस. तो अंदर चार्ज, मेटल के अंदर चार्ज कैसे मूव करता है? गोल गोल. ठीक है अब स्ट्रेट क्यों नहीं जाता? स्ट्रेट इसलिए नहीं जाता बिकॉज इसके बाद कोई कंडक्टर है नहीं, इसे नीचे भी कोई कंडक्टर है नहीं. तो क्या चार्ज एक फुल राउंड दे पाती है? नो, ये फुल राउंड नहीं दे पाती. फुल राउंड देने के लिए क्या करती है? मेटल के अंदर ही ये गोल गोल घूमती है. अब देखें ये कैसा बन रहा है, ये एक पूल जैसा बन रहा है ना. अगर इस आपस में स्क्रीन दबाज दे रहे वहां पे क्या बनता है? गोल गोल ऐसे ही बनते हैं ना. और जो गोल गोल बनते हैं ना उनको हम बोलते हैं एडी. क्या बोलते हैं? इसीलिए इस करंट का नाम क्या है? एडी करंट. बिकॉज ये पानी में जो वर्लपूल होता है जिसमें हम पत्थर फेंकते हैं, कोई वर्लपूल जैसा बनता है ना गोल गोल, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमते हैं मेटल के अंदर गोल गोल, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? एडी करंट. समझ आया? बिकॉज इट रिजेंबल्स द एडीज वो जो वहां पे पानी में बनते हैं. ओके और ये करंट कब बनता है? जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेड विद द सर्किट चेंज करते हो. ओके तो ये क्या तार में बनता है या मेटलिक शीट में बनता है? मेटलिक शीट में बनता है. तार में सीधे करंट बनेगा लेकिन यहाँ पे स्पेशल चीज एक बनती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर ही रिवॉल्व करते हैं गोल गोल. इस करंट को हम बोलते हैं एडी करंट. इसको सबसे पहले एक बंदे ने डिस्कवर किया था, उसका नाम था फोकॉल्ट. फोकॉल्ट इसीलिए एडी करंट्स का दूसरा नाम जो है इट इज फोकॉल्ट करंट्स. ठीक है सो फोकॉल्ट करंट्स या एडी करंट्स किसमें बनते हैं? एक मेटलिक शीट में बनते हैं. ठीक है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एक वर्लपूल की तरह, एक एडी की तरह घूमते हैं. कब घूमेंगे? जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे. ठीक है तो लिखिए इसका डेफिनेशन, राइट डाउन द डेफिनेशन. लिखिए एडी करंट्स आर द करंट्स, एडी करंट्स आर द करंट्स डेवलप्ड इन, एडी करंट्स आर द करंट्स डेवलप्ड इन द बल्क पीसेस ऑफ ए कंडक्टर, डेवलप्ड इन द बल्क पीसेस ऑफ ए कंडक्टर, इन द बल्क
ऑफ ए कंडक्टर व्हेन एवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स whenever the amount of magnetic flux linked with the conductor chains, ठीक है। और ये करंट्स की डायरेक्शन जो है, फोकल्ड करंट किस डायरेक्शन में बनेगा, क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करेंगे या ऐसे रिवॉल्व करेंगे, इसकी डायरेक्शन देता है आपको फिर से लेंज़ लॉ। कौन देता है? लेंज़ लॉ। तो ये करंट अंदर जो दौड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो अंदर इसके अंदर दौड़ेगा, ये किस डायरेक्शन में दौड़ेगा, क्लॉक वाइज दौड़ेगा या एंटी क्लॉक वाइज दौड़ेगा, इसकी डायरेक्शन आपको कौन देगा? लेंज़ लॉ। लेकिन द डायरेक्शन ऑफ एंटी करंट इज गिवन बाय the direction of eddy currents is given by Lenz's law or Fleming's right hand rule. Okay, चलिए जी, अब देखें, listen to me। देखिए, जब भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हो ना, तो सबसे पहले ईएमएफ डेवलप होता है। ईएमएफ की वजह से ही करंट चलता है। अगर ईएमएफ डेवलप नहीं होगा तो करंट नहीं चलेगा। अब देखिए, मेरे पास ये मेटल का पीस है, मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया मैग्नेट को आगे पीछे करके, ठीक है। जब मैं मैग्नेट को आगे पीछे करता हूं, मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया, तो इस मेटल के अंदर करंट दौड़ने लगा। उस करंट का नाम क्या है? एडी करंट है। अब ये एडी करंट जो है, हम इसका एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं। देखिए, इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। मेरे पास ये एक मेटलिक शीट है, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर। और इसमें एडी करंट बना आई, एडी करंट कितना बना इसमें आई, तो बताओ ईएमएफ कितना बनेगा। ईएमएफ असल में पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है ना। देखिए, ओम्स लॉ के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस किस बराबर होती है? वी अपॉन आई इज इक्वल आर। तो हम मानेंगे यहां पे इस वाले शीट में ईएमएफ कितना बना? ई। तो ई के बदले कौन है हमारा? बी के बदले यहां पे कौन है? ई डिवाइडेड बाय आई। इसमें करंट कितना बना? आई। और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? आर। सो ई किस बराबर आएगा? आई डॉट। ओके, नाउ आपको पता है फ्रॉम द फैराडे सेकंड लॉ जो हमने कल पढ़ा, ईएमएफ किस बराबर होता है? माइनस टाइम्स डी फाई बाय डी टी, कल किया ना, तो यहां पे इसका वैल्यू डालो। सो माइनस टाइम्स डी फाई बाय डी टी डिवाइड बाय आर, को नीचे ले आओ, डिवाइडेड बाय आर, ये किस बराबर आएगा? आई। दिस इज एडी करंट, एडी करंट आई, दिस इज गिवन बाय माइनस टाइम्स डी फाई बाय डी टी डिवाइडेड बाय आर। ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एडी करंट्स, I is equal to minus times d phi by dt divided by r. Okay? Write it down. इसको लिखिए।